नमस्ते, स्वागत है आपका कार देखो पे, वे वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बाय और होल्ड, जहां हम आपको बताते हैं एक अपकमिंग गाड़ी के लिए वेट करना वर्थ इट है भी या नहीं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे फोक्सवैगन वर्टिस के बारे में। तो चलिए इस सेडान को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखा जाए तो वर्टिस न्यू पोलो की सेडान वर्जन है और टेक्निकली फोक्सवैगन वेंटो की रिप्लेसमेंट। कुशाक, टाइगोन और स्लाविया की तरह ये भी MQB A0IN प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। डायमेंशंस की बात करें तो ये स्लाविया से कुछ खास अलग नहीं है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो फोक्सवैगन दो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन्स ऑफर करने वाली है, 1 लीटर TSI और 1.5 लीटर TSI। मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों इंजन्स के साथ अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक प्रेफर करते हैं तो 1 लीटर TSI के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 1.5 लीटर TSI के साथ 7 स्पीड DSG का ऑप्शन रहेगा। हाँ, डीजल इंजन का चॉइस आपको फोक्सवैगन वर्टिस में नहीं मिलने वाला। अब मैं जानता हूँ आप में से कई लोग फोक्सवैगन के TDI इंजन्स को काफ़ी पसंद करते हैं। सैडली दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ चॉइस विद द फोक्सवैगन वर्टिस। चलिए अब देखते हैं इस सेडान के लिए वेट करने के सबसे मेन रीजंस, स्ट्रॉन्ग रीजंस क्या है। अब इस SUV के एज में अगर आप अभी भी एक सेडान के ड्राइविंग डायनामिक्स और परफॉर्मेंस को ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तब फोक्सवैगन की वर्टिस आपको निराश नहीं करेगी। दोनों इंजन्स टर्बो चार्ज हैं, चलाने में मज़ेदार है और दमदार भी। अब इन दोनों इंजन्स को हमने सेपरेटली पोलो में, रैपिड में, कुशाक, टाइगुन, स्लाविया एक्सपीरियंस किया है, डेफिनेटली फॉर द ड्राइवर। और कुशाक और टाइगुन को जब हमने बैक टू बैक टेस्ट किया, कंपेयर किया, तब हमने ये नोटिस किया कि फोक्सवैगन थोड़ी और ज़्यादा ड्राइवर फोकस्ड है। अब ये वर्टिस से भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली फॉर द GT लाइन वेरिएंट। तो अगर आपके ओवरऑल कंसिडरेशन लिस्ट में ड्राइव परफॉर्मेंस, ड्राइव एक्सपीरियंस की प्रायोरिटी हाई है, कंसिडर वेटिंग फॉर द फोक्सवैगन वर्टिस। अगर आप भी मेरी तरह ये सोचते हैं कि आजकल गाड़ियों के डिज़ाइंस कुछ ज़्यादा ही ओवर द टॉप, इन योर फेस या अजीब हो गए हैं, तब फोक्सवैगन की वर्टिस आपको शायद अच्छी लगे। टिपिकल जर्मन डिज़ाइन है, क्लासी है, सोबर है और एलिगेंट भी। हाँ, अगर आपको एक स्पोर्टी सेडान चाहिए तब वर्टिस का GT लाइन वेरिएंट आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन है वो आपको सालों बाद भी बोरिंग या आउटडेटेड नहीं लगेगा। So if a clean, simple, elegant design is something you want, consider waiting for the Volkswagen Virtus. अब ऐसा भी नहीं कि परफॉर्मेंस और क्लासी स्टाइलिंग के नाम पर कहीं फीचर्स में कटौती हो रही है। स्लाविया के टॉप एंड वेरिएंट्स की तरह वर्टिस में भी डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, 10-inch टचस्क्रीन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अब फोक्सवैगन से आप एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पैकेज एक्सपेक्ट करते हैं, तो टॉप एंड वेरिएंट में 6 एयरबैग्स और बाकी सभी वेरिएंट्स में ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद होंगे। बेसिकली इस प्राइस रेंज में आप जो फीचर्स एक सेडान से एक्सपेक्ट करते हैं वो सभी फीचर्स आपको वर्टिस में मिलने वाले हैं। ये हमने स्कोडा स्लाविया के लिए भी कहा था और ये फोक्सवैगन वर्टिस पे भी अप्लाई होती है। ये सेडान एक अच्छा मिडिल ग्राउंड है बिटवीन द होंडा सिटी एंड द ह्युंडई वर्ना। वर्टिस में स्पेस और फीचर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है। इसके साथ अगर आप इसके दमदार परफॉर्मेंस को जोड़ दें तो ओवरऑल रेसिपी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बन जाती है। सो दीज वर द रीजंस टू कंसिडर वेटिंग फॉर द फोक्सवैगन वर्टिस। अब देखते हैं कि आपके पास ऑप्शंस क्या है एंड लेट्स गिव यू द मेन रीजंस टू कंसिडर देम। मारुति की CS थोड़ी पुरानी हो चुकी है, थोड़ी बेसिक लगती है, लेकिन ये आज भी एक सेंसिबल, नो नॉनसेंस ऑप्शन है। स्पेस, कंफर्ट, माइलेज और रीसेल, इन चारों एस्पेक्ट्स का तगड़ा कॉम्बिनेशन आपको मारुति CS में मिल जाता है। हाँ, क्वालिटी और फीचर्स के मामले में इम्प्रूवमेंट का स्कोप ज़रूर है, लेकिन अगर आप एक टाइट बजट पर है, 10-12 लाख रुपये के बीच में आप एक नो फ्रिल्स फैमिली कार ढूंढ रहे हैं, उस काम के लिए मारुति CS एक बेहतरीन ऑप्शन है जो आप तुरंत कंसिडर कर सकते हैं। ह्युंडई वर्ना के पास अगर वर्टिस के अगेंस्ट कोई क्लियर एडवांटेज है तो वो है डीजल इंजन का। वर्ना में 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। तो अगर आप एक डीजल इंजन प्रेफर करते हैं हायर माइलेज के लिए, तब आप वर्ना कंसिडर कर सकते हैं। इस सेडान में फीचर्स की कोई कमी तो है नहीं, कमी है तो रियर सीट स्पेस की।
होंडा सिटी का अपना स्टेटस है, ये दिखने में क्लासी है और इसमें स्पेस नेक्स्ट लेवल है। तो अगर आप एक शोफर ड्रिवन सेडान ढूंढ रहे हैं, आप अक्सर अपना समय गाड़ी के रियर सीट में बिताने वाले हैं, आप तुरंत ही होंडा सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। होंडा सिटी को देखने का और एक तरीका ये है कि अगर आप एक एंथूजियास्ट है, आपको एक फन मैनुअल गाड़ी चाहिए, तब इसका 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल वर्जन काफी मजेदार है। अगर आप वर्टिस के ओवरऑल पैकेज से इंप्रेस्ड है, खुश है, लेकिन आपको गाड़ी तुरंत चाहिए, तब आप स्कोडा की स्लाविया को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, फीचर्स में कुछ 19-20 का फर्क जरूर होगा, लेकिन स्पेस के मामले में, इंजन ऑप्शंस के मामले में और फंडामेंटल्स के मामले में असेंशियली दोनों गाड़ियां सेम है। अब सारे ऑप्शंस कवर करने हमें इसी प्राइस रेंज में अवेलेबल SUVs को भी कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक, टाइगुन, एस्टर, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको वर्टिस की ही पैकेज एक SUV बॉडी स्टाइल में चाहिए, तब आप टाइगुन या कुशाक को कंसिडर कर सकते हैं। क्रेटा और सेल्टॉस में ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं और एस्टर अपने साथ ले आती है ADAS। सबकी अपनी अपनी खासियत है। बट हियर्स द बिगर क्वेश्चन, क्या आप एक सेडान के ऊपर एक SUV को प्रेफर करेंगे? इफ येस देन व्हाई, लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलिए अब मैं आपको एक ऐसा रीजन बताता हूँ जो Volkswagen Virtus के फेवर में नहीं है, एंड दैट क्वाइट सिंपली इज द लैक ऑफ अ डीजल इंजन। हाँ, मैं मानता हूँ पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम अब लगभग बराबर है। हाँ, 1.5 लीटर TSI इंजन में सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे माइलेज बेहतर होता है, पर Volkswagen के ही TDI इंजन्स के माइलेज को बीट करना मुश्किल जरूर है। ओवरऑल अगर आपकी रनिंग हाई है, आप एक डीजल इंजन चाहते हैं, वो ऑप्शन Volkswagen Virtus आपको नहीं देने वाली। ओवरऑल Volkswagen Virtus हमें इस सेगमेंट में एक फन टू ड्राइव ऑप्शन लग रही है। स्पेस पर, बिल्ड क्वालिटी पर, फीचर्स पर कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप भी ऐसी ही एक सेडान ढूंढ रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर वेटिंग फॉर द Volkswagen Virtus। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो, प्लीज लीव देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई टू यू पर्सनली। स्टे सेफ, स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।